हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी बेस पर एसएसटी करवा रहा था, जो कि आपको पता भी होगा मैंने आपको क्लास 6 की एसएसटी कंप्लीट करवा दी थी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ओके, तो क्वेश्चंस की सीरीज तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन साथ ही साथ में हम चैप्टर भी करते रहेंगे, जिसमें हमने क्लास 7th की एनसीईआरटी एसएसटी स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 2 करवा दिए थे। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जो कि आपके दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा भी टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैं, आप ये लगा लीजिए, मैं रेगुलर आपकी क्लास ले रहा था, लेकिन वो रेगुलर क्लास बीच में रुक गई 2 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और अपने अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुपा कर ये बैठा हुआ है। तो पीपीटीज बनाने में ही हमें इसको 2 या 3 दिन लग गए। आप खुद देखिएगा पीपीटीज कितनी अच्छी बनाई है, और आज की क्लास भी थोड़ी लंबी चलेगी। ओके, पूरा चैप्टर दिल्ली के जो सुल्तान होते हैं वो पूरा का पूरा इसी के अंदर हम खत्म कर देंगे। ओके, और उसी के साथ में अगर आपने अब तक हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ये हमारी आईडी है, क्योंकि कोई भी आपको जो नोटिफिकेशन होता है वो यूट्यूब की तरफ से नहीं मिल पाता है, तो आपको यहीं से ही मिलेगा। और बाकी किसी प्रैक्टिस सेट्स की जो पीडीएफ होती है, जैसे कि कल मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, उसका जो पीडीएफ होगा वो रेडी होते ही आपको इसी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आज नहीं तो कल उसका आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। ओके, बाकी ये हमारी ऑफिशियल आईडी है, क्या है, एप्लीकेशन की, डीके अकेडमी। प्ले स्टोर पर जाकर डीके अकेडमी सर्च मारोगे तो ये लोगो है हमारे एप्लीकेशन का, शुरू में ही आपको पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट्स की नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट कर लेना चाहते हो या लगाना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हो। काफ़ी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर 5-6 साल के क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करवा रखे हैं आपके लिए। ओके, बाकी ये मेरी इंस्टा की आईडी, अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो, पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये इंस्टा पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ओके, चलिए नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान, द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली जो है, आपने देखा होगा अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं, चाहे वो आपका क्लास 6 हो या फिर क्लास 7 के 2 चैप्टर हो, कहीं पर भी दिल्ली की बात नहीं करी गई है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो हुई थी ना, उसकी स्थापना ही कब हुई थी एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में, तो 12वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। जैसे कि पहला पॉइंट पढ़ोगे तो दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, इसलिए इससे पहले वाले जगह पर आप दिल्ली का नाम नहीं सुनते हो। पहले पहल, ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले पहल दिल्ली जो सल्तनत थी, दिल्ली जो राजधानी थी, उसको अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो राजपूतों में जो तोमर थे, तोमरों के काल में दिल्ली साम्राज्य को अपनी राजधानी इन्होंने सबसे पहले बनाई। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पुट अप हो कि दिल्ली को अपनी पहली राजधानी किसने बनाई थी, तो राजपूतों में तोमर के द्वारा बनवाई गई थी या बनाई गई थी। ओके, फिर 12वीं सदी के मध्य में जो तोमर थे उन पर अजमेर के जो चौहान थे, जिसको हम चहमान के नाम से भी जानते हैं, लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, उन्होंने उन पर आक्रमण करा और साथ ही साथ में तोमरों को इन्होंने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। तो अब दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था, चौहानों का कब्जा हो गया था। तो जैसे कि आप ये मैप देख रहे हो, ये छोटा सा मैप है उस समय का दिल्ली का। ओके, तो यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर एक सीरी नाम का एक इलाका है जो कि गैरिसन शहर के रूप में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अभी मैं आगे चलेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है मैप है दिल्ली का उस समय का। लेकिन दिल्ली में कुछ कमियां भी थी, क्या कमी थी, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि तोमरों के द्वारा और चौहानों के राजकाल में ही दिल्ली जो था एक वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। मतलब इन्हीं के शासनकाल में, तोमरों के शासनकाल में और चौहानों के शासनकाल में ही दिल्ली को कैसे उभार कर लाया इन्होंने, एक महत्वपूर्ण व्यापार के क्षेत्र के रूप में इनको व्यापार के लाए, एक वाणिज्य के क्षेत्र में इनको इन्होंने उभारा। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब सभी को पता है कि जैन धर्म को किसकी समर्थकता मिली थी, किसकी सहायता मिली थी, तो वो व्यापारियों की मिली थी। क्योंकि जैन धर्म जो था वो अपने आप में क्या था, वो पहले दिगंबर थे, यानी कि बिना कपड़ों के रहते थे, तो वो कोई कोई अपना पा रहा था, इसलिए जैन धर्म को व्यापारियों की बहुत क्या मिली थी, सहायता मिली थी, समर्थकता मिली थी। और इन व्यापारियों ने ही दिल्ली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और साथ ही साथ में
उस समय पर एक सिक्के को ढाला गया, जिस सिक्के को क्या कहा जाता था, तो दहलीवाल कहा जाता था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे और उस समय पर वो काफी प्रचलन में थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब 12वीं सदी के आसपास दिल्ली को एक समृद्ध शहर के रूप में, एक नगर के रूप में बसाया गया, तो यहाँ पर जैनों के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा कौन से सिक्के को ढाला जाता था और कौन से सिक्के प्रचलन में थे, तो वो दहलीवाल वाले सिक्के प्रचलन में थे। ओके, और 13वीं सदी में, यानी कि 12वीं सदी के बाद 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अब तक जो था वो दिल्ली सल्तनत नहीं था, वो केवल दिल्ली एक राजधानी के रूप में थी। सल्तनत यानी कि पूरा का पूरा एक समृद्ध शहर, पूरा समृद्ध साम्राज्य के रूप में स्थापना कब की गई थी, तो 13वीं सदी के आसपास की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, अब राजधानी से सल्तनत बनाने में क्या इसमें डिफरेंसेस आए, ध्यान रखिएगा। राजधानी जो थी वो केवल किसी एक बड़े साम्राज्य की राजधानी होती है, जैसे पूरे के पूरे भारत की वो साम्राज्य है, उसकी राजधानी क्या है, दिल्ली, एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन दिल्ली को एज ए सल्तनत के रूप में इस्तेमाल करा गया, एक पूरा का पूरा राज्य के रूप में इस्तेमाल किया गया 13वीं शताब्दी के आसपास। और फिर अलग अलग शासनों ने, अलग अलग शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। कौन कौन से संतलक थे, कौन कौन से शासक थे, एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाते हैं। तो लिख लीजिए, द रूलर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के शासक कौन कौन हुआ करे। तो सबसे पहले आया यहाँ पर राजपूत वंश, जो कि मैंने आपको बता दिया था 12वीं सदी के आसपास इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी सबसे पहले, तो तोमरों ने बनाई थी, जिसमें क्या किसका नाम आता है, तो वो आता है अंगपाल तोमर का। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, कब, तो ये 1130 से लेकर 1145 का समय था, वो इसका समय था। ओके, फिर इसको किसने परास्त करा, चौहान ने, यानी कि पृथ्वीराज चौहान, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुए कौन हुए थे, पृथ्वीराज तृतीय हुए थे, जिनका समय काल क्या था, तो 1175 से लेकर 1192 का समय काल था, जब अफगानिस्तान से पहले गजनी आया और गजनी की मृत्यु के बाद 150 साल बाद मोहम्मद गौरी आया। तो मोहम्मद गौरी ने पहले जब आक्रमण करा 91 में, 91 में, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको हरा दिया था तृतीय ने। फिर 92 में उसने जयचंद की मदद से दोबारा उसने हमला करा और पृथ्वीराज को हरा दिया और मार दिया। तो 92 पर कब्जा करा किसने, मोहम्मद गौरी ने करा। और जिसकी मदद से, जो जयचंद था यानी कि पृथ्वीराज चौहान का ससुर जो था, उसकी मदद से इसने कब्जा करा। और आगे चलकर चंदावर की एक लड़ाई हुई थी 94 में, 1194 में। तो चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया था। ओके, फिर 94 से लेकर 1206 तक मोहम्मद गौरी जो था वो भारत के लाहौर शहर में रहा था। कहां पर, भारत के लाहौर शहर में। और जब वो 1206 में अपने घर, अपने बच्चों, फैमिली से मिलने जा रहा था, तब उसको पंजाब में खोरखा नाम आदिवासियों ने वहां पर गौरी को मार डाला। ओके, अब उस समय जो था, मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था, उस समय गुलामों का बड़ा प्रचलन था, वो अपने बेटों से भी बढ़कर मानते थे गुलामों को। तो उसका जो गुलाम था वो कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो आगे चलकर शासक बना, और इसने किसकी स्थापना करी, गुलाम वंश की स्थापना करी, जिसे आप प्रारंभिक तुर्की भी बोल सकते हो। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश की किसने संस्थापना की, किसने स्थापना की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और या फिर आपसे पूछा जाए प्रारंभिक तुर्की कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका समय काल पूछा जाए आपका गुलाम वंशों का, यानी कि प्रारंभिक तुर्कियों का, तो 1206 से लेकर 1290 का समय काल जो होता है वो गुलाम वंश का होता है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका 1206 से लेकर 1210 तक इसका समय काल है। पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी समय काल पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ कौन, तो वो हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बना अगला शासक, जो कि 1210 से लेकर 1236 का समय काल रहा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी को पता, मैंने बताया भी था, घोड़े से खेल चौगान खेलते हुए, जो कि हॉर्स पोलो होता है, वो खेलते हुए उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद इल्तुतमिश, उसका गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो बना अगला शासक 1210 से लेकर 1236
36 में। अब 1236 में जब इल्तुतमिश की एक बेटी थी और उसके कुछ बेटे भी थे, लेकिन बेटों से ज्यादा माना गया किसको, वो माना गया रजिया सुल्तान को। क्यों माना गया, अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। और किसने माना, सबसे ज्यादा यही माना था कि जो इल्तुतमिश के जो बेटे थे उससे भी ज्यादा योग्य माना गया उस समय रजिया को, यानी कि उसकी बेटी को। लेकिन इसको लोग एज ए शासक के रूप में नहीं मान पा रहे थे कि एक लड़की, एक औरत, फीमेल कैसे शासक बन सकती है, कैसे हमारा राजा बन सकती है। तो ये 36 में बनी तो थी, लेकिन आने वाले 4 सालों में ही इसको हटा दिया, 1240 में इसको हटा दिया, और आगे चलकर इसके भाइयों ने ही इसकी हत्या करवा दी थी। ओके, फिर आए आपका गयासुद्दीन बलबन। ये जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, और काफी इसने नाम भी कमाया था तो वैसे ही अनपढ़ ही, लेकिन इसने काफी चीजों का प्रचलन भी शुरू करा था। और ये भी क्या था, एक तरीके का गुलाम था। जैसे कि इल्तुतमिश ने चालीसा की शुरुआत करी थी, जिसमें 40 इंपॉर्टेंट लोग हुआ करते थे जो कि शासक चलाने में मदद करते थे। तो उसी 40 लोगों में से ये बलवंत था, और आगे चलकर इसने रक्त प्रणाली का इस्तेमाल करा, और जैसे तैसे इसने चालाकी से जो 40 लोग थे उनको मरवा दिया, कि आने वाले दिनों पर जैसे मैंने राज कराया बलवन ने, वैसे ही कोई और चालीसा का मेंबर खड़ा होकर शासक ना बन जाए। इसलिए बलवन ने वहां पर क्या कर दिया था, सभी को मार दिया था। ओके, जिसका समय काल क्या है, तो 1266 से लेकर 1287 का इसका समय काल है। तो ये थे प्रारंभिक तुर्की, यानी कि गुलाम वंश। इसका अंत होने के बाद, इसका पतन होने के बाद आया आपका जो कि है खिलजी वंश। अब एनसीईआरटी बुक्स में अगर आप इसको देखे हो तो खिलजी ना लिखकर ये खलजी लिखा हुआ है। ओके, तो खिलजी हो या खलजी हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसका समय काल 1290 से लेकर 1320 का समय काल है। जिसकी स्थापना किसने करी थी, तो जलालुद्दीन खिलजी या फिर खलजी ने करी थी, जो कि अलाउद्दीन खलजी का क्या था, चाचा भी था और ससुर भी था। ओके, तो जलालुद्दीन खिलजी का जो समय था वो 1290 से लेकर 96 तक का था, और आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या कर दी थी। 1296 से लेकर 1316 तक शासन करा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसको भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। जैसे कि सिकंदर जो था वो विश्व विजय पर निकला था, वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी था वो भी पूरा का पूरा साम्राज्य को जीतने के लिए निकला था, इसलिए इसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। ओके, फिर इसके पतन के बाद आया आपका तुगलक वंश। तुगलक आपका क्या था और इसमें कौन कौन से शासक थे, पहले आपको इसका समय याद रखिएगा। जो तुगलक वंश था उसका 1320 से लेकर 1414 तक इसका समय काल माना जाता है, इस डायनेस्टी का। ओके, आगे बात करी जाए तो गयासुद्दीन तुगलक पहले इसके संस्थापक बने, जो कि 1320 से लेकर 1324 समय काल में रहे। फिर इसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो, उसका समय काल क्या था, तो 1324 से लेकर 1351 तक इसका समय काल था। फिर आया आपका फिरोज खां तुगलक। अब फिरोज खां तुगलक का समय काल था 1351 से लेकर 1388 का समय काल था। और 1388 में ही कौन आया, एक तैमूर नाम का तुर्क आया, जिसने क्या करा, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत को तबाह कर दिया, और साथ ही साथ में उस समय का तुगलक वंश का शासक राजा फिरोज शाह तुगलक भाग खड़ा हुआ। ओके, तो तैमूर ने पूरा का पूरा दिल्ली शासन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था और तहस नहस कर दिया था। उसने वहां पर राज नहीं करा, वो बस तहस नहस करके चला गया, और वहां पर अपना एक सैनिक छोड़कर चला गया, जिसका नाम क्या था, तो खिजर खान उसका नाम था, जिसने किसकी स्थापना करी, तो सैयद वंश की स्थापना करी, जो कि 1414 से लेकर 1451 का समय काल किसका था, तो सैयद वंश का था, जिसमें से खिजर खान ने 1414 से लेकर 1421 तक इसने शासन करा। ओके, फिर आगे चलकर आए लोदी वंश, यानी कि जिसका समय काल था 1451 से लेकर 1526 का समय काल। ओके, अब इसमें जो लोदी वंश की स्थापना करी थी वो करी थी बहलोल लोदी ने 1451 में। ओके, और कब तक रहे थे ये, 1489 तक रहे थे। फिर इसके बाद आया कौन, सिकंदर लोदी। फिर कौन आया इसके बाद, वो आया आपका इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था, तो मुगलों में जो सबसे पहला शासक था बार-बार, उसने 1526 में उसको परास्त किया पानीपत की लड़ाई में, और वहां से मुगल वंश की स्थापना करी। ओके, तो ये थे आपके सारे के सारे दिल्ली के सुल्तान। अब डेट को ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे डेट वो है जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ओके, तो ये थे आपके दिल्ली के सुल्तान, यानी कि दिल्ली के शासकों के पूरी की पूरी लिस्ट। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से हमले हुए और कौन कौन से लोगों ने इसको रोका और कहां कहां आपके इंपॉर्टेंट है।
तो पहले हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली के जो सुल्तान थे ना उनके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के सुल्तान जो थे उनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पुराने समय के बारे में जानकारी जो हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, पुराने समय की किताबों से, पुराने समय के सिक्कों से, बर्तन से, औजारों से, उस चीज़ से मिलती है। उसी में ही एक चीज़ का नाम आ जाता है, तारीख और तवारीख। दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा, तारीख और तवारीख। तारीख जो होता है एनसीईआरटी बुक्स में एक वचन बोला गया है और तवारीख को बहुवचन बोला गया है। अब ये तारीख और तवारीख है क्या, तो ये समझ लीजिए कि पुराने जमाने की क्या है, पांडुलिपियां हैं, पुराने जमाने की ये किताबें हैं जो कि उस समय के विद्वानों द्वारा लिखी गई थी उस सल्तनत के शासकों के कहने पर। ओके, तो तारीख एवं तवारीखों के द्वारा भी हमें क्या मिलती है, पुराने समय की जानकारी मिलती है। आगे बात करें, जो सुल्तानों के शासक या शासन काल में प्रशासन की भाषा जो थी वो फारसी में लिखे गए थे, यानी कि जो तारीख और तवारीख थी, अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय के सुल्तानों के शासक काल में जो लिखा जाता था वो किस में लिखी जाती थी, तो फारसी भाषा में, पर्सियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। ओके, और पूछा जाए कि ये तारीख और तवारीख के लेखक कौन हुआ करते थे, तो उस समय के जो सचिव हुआ करते थे, प्रशासन चलाने वाले हुआ करते थे, कवि हुआ करते थे, दरबारियों के द्वारा इसको लिखा जाता था, जो कि क्या थे, अपने आप में सुशिक्षित व्यक्ति थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग थे, तो इनके द्वारा इस तारीख और तवारीख को लिखवाया जाता था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट बात थी कि तारीख और तवारीख क्या होता है। आगे बात करें तो यहां पर लिख रखा है, पांडुलिपि को तैयार करने के क्या चरण है, जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं उनको तैयार करने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। तो इमेज में भी देख रहे हो, आपका पहला इमेज ये है, दूसरा ये, तीसरा आपका ये, और चौथा ये चार स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहले स्टेज में कागज को तैयार किया जाता है, यानी कि प्रिपेयरिंग द पेपर। दूसरे में लेखन कार्य किया जाता है, यानी कि उस पर पेपर तैयार करने के बाद आपको उस समय के बारे में उसमें लिखना होता है। तीसरे में महत्वपूर्ण शब्दों एवं अनुच्छेदों को ध्यान आकर्षित करने के लिए उस पर सोने को पिघलाकर प्रयोग में लाया जाता था, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, एक लोहार सोने के द्वारा इस्तेमाल करके उस पर हाईलाइट करने के लिए, जैसे कि आजकल जो हम हाईलाइट करते हैं वो किससे करते हैं, मार्कर से कर देते हैं, लेकिन उस समय के लोग कैसे कर देते थे, सोने को पिघलाकर उसके ऊपर डाल देते थे उस शब्द को हाईलाइट करने के लिए। ओके, और आखिरी टाइम क्या होता है, आखिरी कार्य क्या होता है, तो उस पर जिलत चढ़ाना, यानी कि उसका कवर पेज बनाना। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पांडुलिपियों को तैयार करने के चरण को स्टेप में क्रम वाइज में लगाइए, तो ध्यान रखिएगा, पहले कागज तैयार करना, फिर लेखन कार्य, फिर महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को दर्शाने के लिए सोने को पिघलाकर उसके ऊपर तराशना, और चौथा जिलत चढ़ाना, यानी कि उसकी बाइंडिंग करना। ओके, तो ये चार महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं आपकी पांडुलिपियों को बनाने का। नेक्स्ट एक पॉइंट आ जाता है आपका, न्याय चक्र, साइकिल ऑफ जस्टिस। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा जल चक्र होता है कि सूरज से किरणें आती है, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है, वो बादल बनकर फिर बरस जाता है, फिर वो समुद्र में पानी चला जाता है, फिर सूरज उसमें किरणें डालता है, फिर वो भाप बनता है, तो वो गोल गोल घूमती रहती है। ओके, तो उसी तरीके से 13वीं सदी के आसपास एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, इतिहासकार हुए करते थे, कौन, तो वो हुआ करते थे आपके फरक ए मुदबीर। ओके, इनके द्वारा क्या कहा गया था, तो इनके द्वारा कहा गया था कि न्याय चक्र कैसा कार्य करता है, तो पहले काम करता है राजा से। न्याय चक्र कहां से शुरू होता है आपके, राजा से। क्यों, कोई दुविधा आती है, कोई कुछ आता है, तो वो राजा के पास ही गुहार लगाने के लिए आता है, तो राजा जो होता है यहां से न्याय चक्र शुरू होता है। राजा भी जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सैनिकों के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि राजा को अपना शासन चलाने के लिए एक अच्छी फौज की जरूरत होती है, सैनिकों की जरूरत होती है, तो राजा किसके ऊपर डिपेंड है, सैनिकों के ऊपर डिपेंड है। सैनिक किसके ऊपर डिपेंड होंगे, वेतन के ऊपर, अगर सैलरी टाइम पर मिल रही है तो सैनिक के कार्य करेंगे, नहीं तो वो छोड़ देंगे, तो वेतन के ऊपर डिपेंड है। अब वेतन के लिए राजा के पास पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो किसानों के ऊपर डिपेंड है, किसान की अगर फसल अच्छी होगी तो कर होगा, कर देंगे, कर से ही क्या होगा, टैक्स से ही क्या होगा, पैसे आएंगे, पैसे जो आएंगे वही वेतन के रूप में सैनिकों को मिलेगा। अब किसान भी टैक्स कब भर पाएंगे, जब वो खुशहाल होंगे एवं प्रसन्न होंगे, मतलब उनकी फसल अच्छी होगी, अगर किसी चीज़ की लूट पार हो रही है, किसी कोई उनको लूट रहा है, तो राजा उनको सही तरीके से उनका न्याय दिलाएंगे, तभी तो क्या होंगे, किसान खुशहाल रहेंगे। ओके,
अब ये खुशहाल और प्रशंसा के लिए यानी कि प्रसन्न रहने के लिए किस पर डिपेंड होगा, वो न्याय एवं ईमानदारी प्रशासन जो होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब जो न्याय एवं ईमानदार जो प्रशासन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो वो राजा के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि राजा ही सारे के सारे न्याय करता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे 13वीं सदी में एक न्याय चक्र को दर्शाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखिएगा, ये न्याय चक्र क्या है, राजा सैनिकों के ऊपर डिपेंड है, सैनिक वेतनों के ऊपर डिपेंड है, वेतन किसानों के ऊपर, किसान खुश रहेंगे प्रसन्न रहेंगे तो वो अच्छी तरीके से कर देंगे, और उनके लिए राजा के ऊपर डिपेंड है, वो राजा ही न्याय और ईमानदार होगा तभी एक पूरा का पूरा समृद्ध साम्राज्य बन पाएगा। ओके, और साथ ही साथ में ये लेखक जो थे, ये जो राइटर थे, अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर क्या करते थे, आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। क्या देते थे ये लेखक, कि जन्मसिद्ध अधिकार मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ऐसे शासक चलना चाहिए, ऐसे राज्य चलना चाहिए। और साथ ही साथ में लिंग भेद के ऊपर ये बहुत बोलते थे कि कोई भी महिलाओं को नहीं बिठाना चाहिए गद्दी के ऊपर। ओके, क्योंकि लिंग भेद है, जैसे कि आज भी हमारे समाज में काफी देखने को मिलता है मेल और फीमेल के लिए। ओके, तो इसी के लिए क्या करते थे, आदर्श, क्या आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद की बातें करते थे। ओके, अब लिंग भेद की बात आई है तो लिंग भेद में आ जाता है आपका एक सुल्तान, बताया था मैंने आपको गुलाम वंश इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को बनाया गया था सुल्तान कब, तो 1236 से लेकर 1240 के समय काल के अंतराल। यह वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि रजिया सुल्तान का समय काल बताइए, तो 1236 से लेकर 1240 का जो समय काल है वो किसका है, रजिया सुल्तान का है। आगे जो मैंने आपको बातें बता रखी हैं वही है, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार जो कि कौन है, मैंने आपको पहले भी नाम इनका बताया है, कौन था वो, तो वो था मिहाज ए सिराज, ने स्वीकार किया कि वह अपने भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। उन्होंने ये कहा, उस समय के इतिहासकार ने, मिराज ए सिराज ने, कि जो रजिया थी ना वो अपने बाकी भाइयों से ज़्यादा योग्य थी, ज़्यादा सफल थी और ज़्यादा सक्षम थी सिंहासन पर बैठने के लिए। लेकिन उस समय के राजा, उस समय के जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, जो साम्राज्य हुआ करता था, वो एक महिलाओं को एक शासक के रूप में नहीं स्वीकार कर पा रही थी। इसी को देखते हुए 1240 पर उसको सिंहासन से हटा दिया गया। ओके, तो 1236 से लेकर 1240 के समय काल में ये हुआ था, और साथ ही साथ में मिराज ए सिराज ने अपने इतिहासकार स्रोत में यह भी लिखा है कि इतना योग्य और इतना सक्षम होने का क्या फायदा जब वो किसी कार्य आ ही ना पाए या उनको उस चीज से हटा दिया जाए। तो मिराज ए सिराज ये भी मानते थे, ये भी कहते थे कि सबसे योग्य, इतना इतनी प्रतिभाशाली होने का क्या फायदा उस समय पर जब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया ही नहीं जा रहा था। ओके, आगे चलें तो उसी समय पर आंध्र प्रदेश में एक वलंगार जो कि काकतीय वंश का एक हिस्सा हुआ करता था, उसमें भी एक महिला थी रुद्रमा देवी, वो भी वहां पर शासन कर रही थी 1262 से लेकर 1289 यानी कि 1289 तक उन्होंने राज्य किया। कौन से वंश की थी, तो एक काकतीय राजवंश की थी, वालंगर की, कहां की, वारंगल की, कहाँ रहता है, कहाँ पर पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, साथ ही साथ में एक और थी जो कि थी रानी दिद्दा, ये जो कि 980 से लेकर 1003 तक इन्होंने शासन किया। कहाँ की थी ये, तो एक कश्मीर में शासन कर रही थी, जिनको दीदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है बड़ी बहन। ओके, तो ये दो शासकों का नाम आता है यहाँ पर जो कि लिंग भेद को तोड़कर शासन कर रही थी। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु के ऊपर, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत का विस्तार, यानी कि जो पहले गैरिसन शहर था उस शहर से साम्राज्य तक वो कैसे विस्तार हुआ। अब ये गैरिसन शहर क्या है, तो इसको भी समझा दूंगा, अभी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि गैरिसन आखिर होता क्या है। पहला पॉइंट कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन शहर तक ही
था, शहरों से समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतर प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। तो यहाँ पर दो पॉइंट आया, पहला एक गैरिसन शहर और दूसरा एक भीतरी प्रदेश, ये दो पॉइंट आए। इन दोनों पॉइंट को समझिए। तो देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे ना, वो केवल गैरिसन शहर तक ही सीमित थे। अब फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पूरा प्रदेश है वो क्या है, ये मैप की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ये क्या है, पूरा का पूरा उस समय का दिल्ली है। ठीक है, अब दिल्ली में एक कोना जो है वो गैरिसन शहर के रूप में स्थापित किया गया था। ये जो भाग है ना, ये गैरिसन शहर है। क्यों? अब ये गैरिसन शहर किस लिए स्थापित किया जाता था? तो उस समय के जो सैनिक हुआ करते थे ना, उस सैनिकों को रखने के लिए स्थान तो चाहिए होगा आपको, तो उस सैनिकों को रखने के लिए ये गैरिसन शहर बनाया गया था दिल्ली में। तो इतने हिस्से पर केवल शासक का शासन चलता था, बाकी ये जो वाला इलाका बचा ना, ये वाला, इस पर कोई भी शासक का शासन नहीं चलता था। इसलिए कहा गया है कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे उनका शासन केवल गैरिसन शहर तक था, जहां पर सैनिक को रखा जाता था। बाकी किसी भी शहर के समृद्ध इलाके, जैसे कि ये बाकी समृद्ध इलाके हुए, यहां पर किसी भी प्रकार का उनका इलाके पर कंट्रोल नहीं होता था। तो इसी को इन्होंने क्या कहा? तो इसी को इन्होंने भीतरी प्रदेश कहा। ओके, क्या कहा इन्होंने इसको? भीतरी प्रदेश कहा। गैरिसन शहर पर उनका शासन था, लेकिन भीतरी राज्य पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था दिल्ली के अंदर। जैसे कि और सरल समझ में कोशिश करो, तो आपका एक पूरा का पूरा घर है, लेकिन पूरे के पूरे घर में आपका रूम तो केवल एक ही है, चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पर हो, ग्राउंड फ्लोर पर हो, कहीं पर भी हो, तो आपका जो कब्जा होगा वो केवल आपके रूम तक होगा, पूरे घर पर नहीं होगा। तो उसी प्रकार से ये इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि उनका केवल राज गैरिसन शहर तक था, गैरिसन प्रदेश तक था, लेकिन भीतरी प्रदेश में उनका कोई शासन नहीं चलता था। इसी की वजह से जब उनको कोई आवश्यक सामग्री चाहिए होती है तो वो या तो व्यापार करते थे या फिर लूट मार पर ही निर्भर करते थे। ओके, क्योंकि बाकी का बाकी जो राज्य है, बाकी का बाकी भीतरी प्रदेश है, उन पर तो उसका पूरा का पूरा शासन था ही नहीं, वहां के लोग उनकी बात मानते ही नहीं थे। इसलिए अगर उनको कोई आवश्यक सामग्री चाहिए होगी तो वो व्यापार करेंगे, नहीं तो लूट मार करना पर निर्भर करना पड़ता था। ओके, साथ ही साथ में दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहर का नियंत्रण बहुत कठिन था। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में ये देखो, ये इंडिया का मैप है, समझने की कोशिश कीजिएगा बस, कि मैं हल्का सा मैप बना देता हूँ आपको इंडिया का। तो ये देखो, ये है हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप है, दिल्ली आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पर गैरिसन इतने से हिस्से में है, वहाँ पर नियंत्रण था। साथ ही साथ में जो बंगाल पड़ता है इस तरफ को, यहाँ पर भी इनका गैरिसन शहर था, और साथ ही साथ में यहाँ पर सिंध में, यहाँ ये सिंध है, यहाँ पर भी इनका गैरिसन शहर था। तो इनके दिल्ली पर जब शासन करते थे तो इतनी दूर इस तरफ और इतनी दूर इस तरफ, यहाँ पर शासन करना और भी मुश्किल हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि बंगाल जो था बिल्कुल सुदूर इस तरफ में था, जहाँ पर पथरीले इलाका हुआ करते थे, वहाँ पर जाते जाते ही काफी लूटमार हो जाती थी, काफी अलग अलग प्रशासन चलने लग जाते थे, लोग स्वतंत्र हो जाते थे। और इस तरफ सिंध पर तो और मुसीबत थी, क्योंकि यहां से अफगानिस्तान की तरफ से हमला होने का हमेशा खतरा बना रहता था। इसलिए उन्होंने जो आवश्यक सामग्री थी उसके लिए व्यापार या लूटमार पर, और साथ ही साथ में बंगाल और सिंध पर गैरिसन शहर पर, उस पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना तो और भी मुश्किल था। ओके, तो शुरू में जो दिल्ली सल्तनत थी वो केवल गैरिसन शहर तक ही सीमित थी, शासकों के पर राज्यों में। आगे चलकर गैरिसन शहर से भीतरी प्रदेश तक, यानी कि जो पहले मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि ये दिल्ली का मैप है, तो ये दिल्ली के पूरा का पूरा दिल्ली है। तो यहाँ पर जो ये सीरी बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, तो केवल इतने पर ही गैरिसन शहर था, ये सैनिकों के लिए रहने के लिए बनाया था, और केवल इतने पर ही शासन हुआ करता था। अब यहाँ से गैरिसन शहर से जो बाकी भीतरी प्रदेश है, यानी कि जो बाकी आपके इंपॉर्टेंट नगर हुआ करते थे, उन पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले किसने मुहिम चलाई थी? तो इसका संस्थापक, यानी कि इसकी जो संस्थापना की थी, वो गयासुद्दीन बलवन के शासनकाल में हुआ था। यानी कि गयासुद्दीन बलवन जो था वो पहला शासक था जिसने गैरिसन शहर से अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए भीतरी शहर पर आक्रमण करना, कब्जा करना शुरू कर दिया था। ओके, यानी कि आप अपने रूम से बाहर निकलकर आप अपने घर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, तो गयासुद्दीन बलवन ने करा था पूरे के पूरे दिल्ली पर कब्जा। और इसका विस्तार जो किया था वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहले किसने करा था आपके गैरिसन शहर से भीतरी साम्राज्य तक,
अपना विस्तार करने के लिए, तो वो गयासुद्दीन बलबन ने करा था। और इसको आगे बढ़ाया किसने था, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के राजवंश में किया गया था। ओके, इस अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दुआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों और जो चरवाहा थे उनको खदेड़ दिया गया वहाँ से। यानी कि जो जंगल में संग्राहक शिकारी या जो चरवाहा रहते थे उनको वहाँ से भगा दिया, और वहाँ पर जो जंगल हुआ करते थे उनको बिल्कुल सपाचट काट के बराबर कर दिया। किस चीज़ के लिए, खेती के लिए। और वह ज़मीन उन्होंने किसको दे दी, तो किसानों को दे दी। क्यों, कृषि कार्यों को प्रोत्साहन करने के लिए, क्योंकि उस समय पर जो कृषि कार्य था वही एक मेन स्रोत था आय का। कृषि यानी कि फसल अच्छी होगी तो वो कर देंगे, और कर देंगे तो पैसा होगा, और पैसा होगा तो साम्राज्य अपने आप में ही क्या होगा, अच्छा फलेगा फूलेगा। ओके, तो ये दो शासक थे जिन्होंने पूरे के पूरे दिल्ली पर कब्जा करना शुरू करा था। अब ये यहीं पर ही नहीं रुके, ये भीतरी प्रदेश से बाहरी सीमा तक भी निकल आए। मतलब पहले आप अपने रूम से पूरे घर पर कब्जा करा, और अब अपने घर से आप क्या कर रहे हो, दूसरों के घर पे भी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जैसे कि ये दिल्ली था, तो दिल्ली पर ये गैरिसन शहर था, पहले इन्होंने गैरिसन शहर पर कब्जा था ही, फिर बाकी दिल्ली पर भी कब्जा करा, और फिर दिल्ली के जो आसपास के राज्य थे यानी कि बाहरी इलाके थे उन इलाकों पर भी इन्होंने कब्जा करना शुरू करा। चलिए आप पढ़ लेते हैं, भीतरी प्रदेश से बाहरी सीमा तक, यानी कि दिल्ली से जब बाहर निकले वो, तो दूसरा विस्तार जो किया था सल्तनत का वो बाहरी सीमा पर हुआ। अब बाहरी सीमा पर किसने करा था, तो यही थे आपके अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। जैसे कि यहाँ देखोगे आपको पता चल जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और यह अभियान जो था वो मोहम्मद तुगलक के समय पर अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। जैसे कि आप ये देख रहे हो मैप में, ये है आपका दिल्ली, तो पहले केवल यहाँ तक शासन था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की ओर लक्ष्य कर लिया। तो आगे चलकर उसने गुजरात पर, आगे चलकर उसने देवनागरी पर, आगे चलकर उसने काफ़ी जगह पर पूरे के पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा करना शुरू करा। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो, बिल्कुल तंजावुर तक वो पहुँच गया था दक्षिण इलाके में, चौर चैल के साम्राज्यों तक। ओके, इस और अगर आपसे पूछा जाए कि इस अभियान का चरम सीमा किस पर किस समय थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर ये चरम सीमा पर थी अपने। ओके, और इस अभियानों में सुल्तानों ने या फिर सल्तनत की सेनाओं ने क्या कर दिया था, हाथी घोड़े गुलाम व मूल्यवान धातुओं को अपने कब्जे में ले लिया था। अब ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने कब्जे में ली, तो उनकी अपनी आप ही सेना क्या होगी, काफ़ी बड़ी होती गई, काफ़ी फलती फूलती गई। ओके, क्योंकि उस समय हाथी घोड़े गुलाम यही तो सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। साथ ही साथ में जो मूल्यवान धातु हुआ करते थे, चाहे वो सोना हो चांदी हो मूल्यवान पत्थर हो, उन सभी को धीरे धीरे इन्होंने कब्जे लेना शुरू कर दिया, और अपना साम्राज्य इन्होंने क्या करा, बड़ा करा। ओके, आगे बात आए तो यहां पर आगे आ जाती है एक बात छोटी सी, क्या, पहला जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाया गया था। तो अलग अलग शासकों के द्वारा यह बनवाया गया था। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जामा मस्जिद का और विस्तार किसने करा था, तो वह अलाउद्दीन खिलजी और उसी के साथ साथ में इल्तुतमिश ने किया था। ओके, आगे बात आती है मीनार। अब मीनार कौन सा, तो कुतुब मीनार। ये जैसे कि आप इमेज देख रहे हो, ये है मीनार, इसको कुतुब मीनार हम जो कहते हैं, जो कि दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। ओके, तो मीनार जो था उसको तीन सुल्तानों द्वारा बनवाया गया था। कौन कौन से तीन सुल्तान थे वो, तो पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा था इल्तुतमिश, और तीसरा था फिरोज खान तुगलक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थी इसकी स्थापना करी थी, और कुतुब मीनार की ऊपर की दो यानी कि नीचे की दो मंजिल बनवाई थी, बाकी जो बची हुई थी ऊपर की तीन मंजिल वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई थी, और यहाँ पर निर्माण पूरा हो चुका था। लेकिन आगे चलकर इस पर आक्रमण हुआ और इसको जला दिया गया था, तो जिसकी वजह से ये नष्ट हो गई थी। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने इसका पूर्व निर्माण करा। ओके, निर्माण कंप्लीट हो गया था इल्तुतमिश के समय पर, लेकिन इसको रेनोवेट किसने करा था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करा था, जो कि आग लगने की वजह से नष्ट हो गई थी। ओके, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो आगे आ जाता है आपका बेगमपुरी मस्जिद, जो कि किसने बनवाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में इसको बनवाया गया था। और कहाँ बनवाया था, तो दिल्ली में उसकी एक नई राजधानी थी जिसका नाम रखा था जहाँपना, जो कि विश्व की शरण स्थली है। अगर आपसे पूछा जाए कि जहाँपना का स्थापना किसने करवाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाई थी दिल्ली के अंदर। जिसका मतलब क्या होता है, तो विश्व की शरण स्थल जहाँ पर कोई भी आकर रह सकता है। उस समय की वो क्या थी, एक मुख्य मस्जिद के तौर
पर बनवाई गई थी, जैसे कि आप नीचे यहाँ पर ये इमेज देख सकते हो। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो इन पॉइंटों को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलें तो मस्जिद के बारे में यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु दे रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हैं, यहाँ से कुछ पॉइंट निकलते हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्या? तो ये मस्जिद जो है वो कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऐसा स्थान जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना में सत्ता यानी कि घुटने और माथा टेक कर क्या करते हैं, वो उनकी नमाज पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो पॉइंट निकला, अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है जहां पर मुसलमान अल्लाह की आराधना करते हैं घुटने और माथा टेक कर। आगे बात करें तो जामा मस्जिद, आप सभी को पता है बहुत बड़ा मस्जिद है जिसको मस्जिद ए जामी भी कहा जाता है। वह मस्जिद है जहां पर अनेक मुसलमान जो होते हैं एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और साथ में नमाज पढ़ते हैं। जामा मस्जिद को बनाए हैं इसलिए गए थे कि मुसलमान जो है वो एक साथ बैठकर वहां पर नमाज पढ़ सके। ओके, और नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय एवं विद्वान पुरुष को इमाम, इमाम समझिएगा यहां पर क्या होता है, यानी कि नेता के रूप में चुना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इमाम क्या होता है, तो नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहा जाता है जिसको उन नमाजियों का नेता माना जाता है। ओके, अब ये जो इमाम था यानी कि जो ये नेता था वो शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्म उपदेश यानी कि खुतबा भी देता था। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग धर्म में अलग अलग धर्म उपदेश देने वाले पंडित होते हैं, जो चर्च में वो जो क्रिश्चियन में जो चर्च होते हैं फादरी होते हैं वो होते हैं, तो उसी प्रकार से मुसलमान में इमाम होता है जो कि शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्म उपदेश देते हैं जिसको खुतबा कहा जाता है। ओके, आगे बात करें तो नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ, जो मक्का मदीना है मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, यानी कि भारत की दिशा से देखी जाए तो मक्का मदीना किस तरफ को है? पश्चिम की तरफ है। और मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। तो यहां पर तीन चार पॉइंट निकल के आए आपके कि मस्जिद कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मुसलमान अल्लाह की आराधना में घुटने और माथा टेक कर जब करता है नमाज पढ़ता है उसी को ही कहा जाता है। जामा मस्जिद का एक और नाम क्या है? मस्जिद ए जामी नाम है, जिसमें अनेक मुसलमान एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं, जिसमें से अधिक सम्मान्य लोग या विद्वान जो पुरुष होगा उसको इमाम चुना जाता है, नेता बनाया जाता है। तो इमाम क्या होगा? नेता हो जाएगा सभी नमाजियों का, जो कि शुक्रवार को क्या देता है? धर्म उपदेश देता है जिसको खुतबा कहा जाता है। और नमाज पढ़ते समय मुसलमान किस तरफ को मुंह करते हैं? मक्का मदीना की तरफ मुंह करते हैं, जो कि भारत की दिशा की ओर से पश्चिम की ओर पड़ता है। ओके, जिसको मक्का की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहा जाता है। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाएंगे तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत अलग अलग मुगलों ने या फिर मंगोलों ने आक्रमण करा था उसके बारे में बात कर लेते हैं, वहां पर एक नजदीक से एक नजर डाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट आता है आपका कि दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश समंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंगदान कहा जाता है। ओके, अब ध्यान रखिएगा यहां पर दो मेन पॉइंट आए हैं, क्योंकि जो गुलाम वंश था ना इल्तुतमिश के समय, वहां पर ये मानते थे वो अपने बेटों से बढ़कर गुलामों को मानते थे, जो कि बचपन में ही उनको खरीद लाते थे और वो धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण देते थे। लेकिन इन गुलामों की एक नेगेटिव पॉइंट भी ये थी कि इन गुलामों को जो खरीद कर लाते थे जो शासक वो उनको पालते थे, तो गुलाम जिसके द्वारा खरीद के लाया गया, जैसे इल्तुतमिश ने कोई गुलाम खरीदा है तो वो गुलाम इल्तुतमिश के लिए ही क्या होगा? वफादार होगा। इल्तुतमिश के बाद उसके बेटे या उसकी बेटी जो बनती है उसके लिए वो वफादार नहीं होगा। ओके, बस यहां पर नेगेटिविटी यही आ जाती है, इसलिए जो एक गुलाम वंश था उस समय का, उस समय के जो शासक थे वो गुलामों को अपने बेटों से भी बढ़कर मानते थे, क्योंकि उस समय पर बेटे क्या कर रहे थे? बापों की हत्या कर देते थे शासन पाने के लिए, गद्दी पाने के लिए। ओके, तो वहां पर उस समय के जो जमींदार हुआ करते थे, जमींदार का ऊंचा पोस्ट हुआ करता था या फिर सूबेदार का जो ऊंचा पोस्ट हुआ करता था, उनको किसको दिया जाता था? तो गुलामों को दिया जाता था उस समय, बेटे को या किसी ऊंचे मंत्री को नहीं दिया जाता था, जिसको फारसी में, गुलाम शब्द को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बंगदान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे चलकर खिलजी तथा तुगलक शासक जो थे वो भी बंगदान का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर
आश्रित, क्या बोला, अपने पर आश्रित निम्न वर्ग लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अब यहां पर खिलजी और तुगलक ने क्या कर दिया, गुलामों का तो इस्तेमाल वो करते ही रही, लेकिन यहां पर दो पॉइंट और आ जाते हैं, एक तो गुलामों का भी इस्तेमाल करा और दूसरा आश्रित जो निम्न वर्गीय लोग थे, जैसे कि आज भी निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं जिनको अलग अलग कोटा दिया जाता है, तो उस समय पर खिलजी और तुगलक ने क्या करा, उन आश्रित लोगों को ऊंचे ऊंचे पद देने शुरू कर दिए राजनीतिक, जिसके द्वारा ये खिलजी और तुगलक क्या मानते थे, ये मानते थे कि अगर हम छोटे वर्ग से उठाकर लाएं लोगों को, तो वो लोग जो होंगे जैसे कि नाई हो गया या फिर किसी के खेत में काम करने वाला हो गया, इस प्रकार के लोगों को उठाकर लाते थे, क्योंकि ये मानते थे कि अगर हम निम्न वर्ग के लोगों को उठाकर लाएंगे तो वो ये सोचेंगे, वो ये मानेंगे कि राजा ने मुझे इतना सम्मान दिया, शासक ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने ऊंचे पद पर रखा है एक छोटी सी जगह लाकर, तो वो उनके लिए क्या होते थे, वफादार होते थे। बाकी अगर किसी और नेता को बनाया जाता था तो वो धीरे धीरे अपना राज्य शुरू कर लेता था, अपना शासन शुरू कर लेता था। ओके, तो खिलजी वंश में गुलामों को तो इस्तेमाल किया ही जा रहा था, साथ ही साथ में आश्रित लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अब यहां पर देखो, गुलामों से एक पॉइंट और निकल के आता है। अभी मैंने आपको बोला कि जैसे कि खिलजी ने कोई गुलाम खरीदा, तो जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी पद्मावती, जिसमें वो उसका चाचा उसको गुलाम ला के देता है वो, ओके, जो गुलाम को जो बोलता है अलाउद्दीन वही वो कर देता है। तो उसी प्रकार से वो गुलाम जो था वो केवल किसके लिए था, खिलजी के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए था वो वफादार। उसके बाद जैसे कि तुगलक वंश आया, तो तुगलक वंश का जो शासक होगा ना उसके लिए वो वफादार नहीं होगा, तो तुगलक वंश का जो शासक आएगा ना वो अपना एक अलग गुलाम चुनकर लाएगा, फिर पुराने वाले गुलाम और नए वाले गुलाम के बीच में लड़ाइयां हो जाती थी कि ये मेरा पद है, ये मेरा पद है। ओके, तो ये भी देखने को मिलता था उस समय पर। साथ ही साथ में आ जाता है आपका इकता प्रणाली। अब ये इकता प्रणाली क्या है, इकता सिस्टम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत शुरू से ही करी थी, लेकिन इसको खत्म किसने करा था, तो इसको खत्म करा था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए बात कर लेते हैं, थे क्या, तो ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। मतलब आप निम्न वर्ग के लोगों को ऊपर उठा के लाओगे, आप गुलामों को ऊपर वाले पद दोगे, तो बाकी जो जो तारीख तवारीख लिखने वाले लोग हो गए, ऊंचे ऊंचे जाति के लोग हो गए, उनके बीच में नेगेटिविटी उत्पन्न होने लगी और वो राजाओं की शासकों की बुराई करने लग गए कि हमारे होते हुए निम्न वर्ग के लोगों को क्यों ऊंचे ऊंचे पद दे रहे हैं। तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होने लगी थी उस काल में। ओके, आगे चलें तो पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। यह इलाके इकता कहलाते थे। अब देखो, अब ये क्या कहलाया, इकता कहलाया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करो, ये दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है, यहां पर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है, इसके बगल में क्या है, गुजरात है, तो ये गुजरात है, ठीक है, इतना ये गुजरात है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो था एक एकता प्रणाली सिस्टम थी, वहां पर जो सूबेदार, वहां पर जो बनाए जाते थे आपके महंत, उनको क्या करता था, एक जगह पर सेंड कर देता था, भेज देता था, जैसे कि गुजरात भेज दिया, तो गुजरात की वो जो जमीन थी ना वो किसके कब्जे में आ गई, सूबेदार के कब्जे में आ गई। अब उस सूबेदार का क्या कहना था, क्या मतलब था, इस जमीन के ऊपर रहकर वो शासन भी चलाए, लेकिन किसकी निगरानी में, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि जो मेन शासक है उसकी निगरानी में, और साथ ही साथ में इस जमीन से जो खेती से कर आ रहा है उस जमीन की खेती के कर से ही आप अपना काम भी चलाओ और सैनिक को वेतन भी दो, उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी कुछ नहीं देगा, उसी को ही क्या कहा जाता था, इकता कहा जाता था। ओके, तो इन्हें संभालने वाले अधिकारियों को इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था, यानी कि जो मेन व्यक्ति होगा, जो सूबेदार होगा, उसको या तो इक्तादार कहा जाएगा या फिर मुक्ति कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इक्तादार या फिर मुक्ति किसे कहा जाता है, तो उस इलाके के ऊपर पूरा का पूरा जिसका कब्जा होगा, जो उस पर उसका संभालेगा, उसका नियंत्रण होगा, उसको ही इक्तेदार कहा जाएगा, जो कि डायरेक्ट किसको सूचना देगा, तो शासक जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको देगा। ओके, अब ये था, इस प्रणाली को काफी कड़े नियमों से लागू किया गया था। जैसे कि कोई इक्तेदार को गुजरात में सेंड करा, तो यहां पर कुछ नियम भी थे, जैसे कि जितनी सेना बोली गई है संख्या में उतनी ही सेना रखनी है उसको, जितना कर बोला है उतना ही कर उनको वसूल करना है, ज्यादा सेना नहीं रख सकते, ज्यादा कर वसूल नहीं कर सकते, और उस चीज को नजर रखने के लिए इन्होंने वहां पर एक लेखककार को भी भेजा था, जैसे कि आप एक मैनेजर के रूप में वो नजर रखता था उन पर कि ये अपना शासन तो ये खड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और गुजरात तो
बहुत दूर है, ओके, तो उस चीज पर नजर रखने के लिए भी ये लोगों को रखते थे और खासी खास पर नियम भी बहुत सख्त थे। कैसे? तो जो इक्तदार था, जो वहां पर सूबेदार बनाकर भेजा जाता था, उसको समय समय पर चेंज करते रहते थे। ये नहीं कि उसको वहीं पर ही फिक्स कर दिया जाता था, नहीं, आज गुजरात में है तो कल उसको कर्नाटक में भेज दिया जाएगा, परसों कहीं और भेज दिया जाएगा, तो वो चेंज करते रहते थे, उसका ट्रांसफर करते रहते थे, ताकि वो अपने आप में शक्तिशाली ना बन जाए और अपना साम्राज्य ना खड़ा कर ले। ओके, तो इसी को ही इक्ता या फिर इक्तदार या फिर मुक्ति कहा जाता है। ओके, आगे चलें तो उस समय पर तीन प्रकार के कर लगाए जाते थे, जो कि अभी मैंने आपको बोला, उस जमीन से जो कर मिलता था उसी कर से आपको क्या करना है, अपना भी काम चलाना है और सैनिकों को वेतन भी देना है। तो तीन प्रकार के कर होते थे, कौन कौन सा? पहला कृषि पर कर, जिसको क्या कहा जाता था, तो खराज कहा जाता था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि पर लगाए हुए कर को क्या कहा जाता है, तो खराज कहा जाता है, जो कि किसान की उपज का 50% होता था। यानी कि अगर आपने खेती करी है एक एकड़ जमीन में, तो आधा एकड़ आपको क्या देना होगा, कर के रूप में देना होगा। दूसरा, जो मवेशियां पालते थे, जानवरों पालते थे, उन पर लगाया जाता था। और तीसरा, घर बनाने पर या जो घर होते थे उन पर कर लगाया जाता था, जैसे कि आज हम हाउस टैक्स भरते हैं उसी प्रकार का। ओके, तो ये तीन प्रकार के कर लिए जाते थे उस समय पर। आगे चलें तो अफ्रीका देश मराको से यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में आया था भारत। अगर आपसे पूछा जाए कि इब्न बतूता कब आया था, तो 14वीं शताब्दी यानी कि 14वीं सदी में आया था। कहां से? तो अफ्रीका के देश मराको से आया था। ओके, आगे बात करें तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्व ईरान में, जो कि आपका कौन सा था, तो ट्रांस ऑक्सियाना जो कि नाम का एक इलाका था, जो कि आज का आधुनिक उबेजिस्तान है, उस पर उसने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही उसने दिल्ली पर ढाबा मोलने की क्या कर ली, ठान ली थी, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मंगोलों में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने पर किस समय को चुना गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय काल पर इसने ढाबा मोला था। ओके, अब इससे मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी, और इस विशाल स्थायी सेना खड़ी करने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी सफल भी रहा और दूसरी ओर मोहम्मद तुगलक असफल भी रहा। दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे, एक बार उनको समझ लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बचने के लिए उसने क्या क्या करा था, क्या क्या विचार किए थे। ओके, तो पहला, दिल्ली पर दो बार हमले हुए, कब, 1299 से लेकर 1300 में और 1302 से लेकर 1303 में। तो ये जो मंगोल थे उस समय के, इस दो बार हमले करे गए थे दिल्ली पर। ओके, अब इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का निर्माण करा उससे लड़ने के लिए, और अपने सैनिकों को रखने के लिए उसने एक नए गैरिसन शहर बनवाया, जो कि सीरी नामक शहर बनवाया था दिल्ली के अंदर, जो कि मैंने आपको मैप में भी बताया था। तो सीरी नाम का किला या सीरी नाम का स्थान किसने बनवाया था, नया शहर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था गैरिसन शहर के रूप में अपने सैनिकों को रखने के लिए। साथ ही साथ में सैनिकों को पेट भरने की समस्या को उसने कैसे दूर करा, तो गंगा जमुना किनारे के जो उसने जमीनें काटी थी, पेड़ पौधे काटे थे और किसानों को उसमें खेती करने के लिए वो जमीन दे दी थी, तो उस पैदावार पर वो क्या देता था, 50% कर लेता था, जिसको क्या कहा जाता था, तो खराज कहा जाता था, अभी मैंने आपको बताया। तो 50% कर लेता था, उसी से ही वो सैनिकों का पेट भरता था। साथ ही साथ में सैनिकों को इकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया, मतलब यहां पर इसने ये मान लिया कि अब सैनिकों को और स्थान पर तो भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि बार बार दिल्ली पर आक्रमण हो रहे थे, तो सैनिकों को उसने दिल्ली में ही रोक लिया और सीरी नाम का जगह बनाई, एक नया गैरिसन शहर बनाया। और इकता तो जब दूसरे इलाकों में आप भेज नहीं रहे हो, कर नहीं ले रहे हो, तो वेतन कैसे दोगे, नगद रूप में ही दोगे। तो इकतादारी प्रणाली को इसने समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और नगद वेतन देना शुरू करा। उस समय पर 234 जित्तल दिए जाते थे, उस समय पर जित्तल चला जाता था। ओके, अब ये 234 जित्तल जो थे वो बहुत कम थे सैनिकों के लिए, इसलिए इसने क्या करा, तो बाजार मूल्य को नियंत्रण भी करा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने चीजों की कीमत पर नियंत्रण लागू करा कि कम पैसे तो देंगे, जैसे कि हमारी जो सेना होती है भारत की, उसमें देखा होगा उसके सामान खरीदने के लिए अलग अलग कैंट बनाए जाते हैं, जहां पर टैक्स नहीं लगाया जाता उन सामानों पर, बाकी चीजों से वो बहुत सस्ता होता है। ओके,
इसलिए वो कैंट किस लिए होते हैं, सैनिकों के लिए होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। तो उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या करा, बाजार मूल्य नियंत्रण करा, जिसके द्वारा सैनिक आराम से अपनी चीजों को खरीद सके कम दामों में, और निगरानी भी रखी कि कोई अपना सामान ज्यादा कीमत में या फिर किसी और तरीके से धांधली करके तो नहीं बेच रहा, और कड़ी सजा भी दी जाती थी अगर कोई महंगे चीज पर सामान बेचता था तो। ओके, आगे बात करें तो मोहम्मद तुगलक की। अब आपको ये तो पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या परिवर्तन करे थे वहीं पर ही, और वह जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सारे के सारे परिवर्तन करे तो उसने मंगोलों का सफलतापूर्वक सामना भी कर लिया और उसने मंगोलों को हराकर खदेड़ भी दिया। ओके, वहीं पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक वर्षों में ही क्या हुआ था, सल्तनत पर हमला हुआ था, जो कि उसने मंगोल की सेना को परास्त तो कर दिया, मंगोल की सेना परास्त तो हो गई लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी उसके उत्पन्न हुई। क्या हुई, शुरू में जब उसने विशाल सेना को इकट्ठा करा, खड़ा करा उसने मंगोलों से लड़ने के लिए, तो मंगोलों को उसने परास्त तो कर दिया, उसको खदेड़ भी दिया, लेकिन साथ ही साथ में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सेना और अपनी शक्ति पर इतना विश्वास, इतना घमंड हो गया था कि उसने जो ट्रक्स ऑक्सियाना नाम की जगह थी, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है, उस पर उसने आक्रमण करने की योजना बना ली। ओके, यानी कि वापस इसने पलटवार करने की बात सोच ली कि ये अब हम जो है आक्रमण करेंगे किसके ऊपर, मंगोलों पर, उनके घर में जाकर, ट्रास ऑक्सियाना पर। ओके, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, जितने भी शासक हुए थे उसमें से ये एक लौता शासक था जिसने मंगोलों पर आक्रमण करने की नीति बनाई थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, विफल हो गया था। क्यों, देखिए आगे चलकर इसने नए गैरिसन शहर बनवाने के स्थान पर पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलतबाद भेज दिया। मतलब अब आपसे पूछा जाए कि नई राजधानी दौलतबाद किसने बनवाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। अब देखो अंतर करो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को रहने के लिए नया गैरिसन शहर बनवाया था, वहीं पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, लोगों को ही वहां से भगा दिया, यानी कि जो पुराने निवासी थे उनको वहां से हटाकर नई राजधानी दौलतबाद भेज दिया, और उस पुराने इलाके में पूरे के पूरे गैरिसन शहर की उसने स्थापना करी, तो लोग इससे बहुत चिढ़ गए। ओके, तो यहां पर इसकी पहली ये विफलता थी। दूसरी, सैनिक की विशाल संख्याओं की जरूरत को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर लगाना शुरू कर दिया, और अतिरिक्त कर तो लगाया लेकिन उस समय प्राकृतिक जो रूप थी, नेचुरल जो रूप था, उन्होंने भी इसका साथ नहीं दिया, और उस समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने की वजह से लोग कर नहीं दे पाए, और कर नहीं दे पाए तो सैनिकों का पेट भी सही तरीके से भर नहीं पाया। ओके, तो ये दूसरी इसकी विफलता थी, नेचुरल रूप में बोल लो या कैसे भी बोल लो आप। ओके, आगे बात करें तो मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा, यानी जो आज के हमारे पेपर नोट होते हैं, वैसे उसने नोट चलाए, जिसको टोकन या फिर सांकेतिक मुद्रा कहा जाता था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पहले जमाने में जहां सिक्के सोने चांदी के बने जाते थे, वहां पर मोहम्मद तुगलक ने क्या करा, आज की तरह कागजी जो मुद्रा होती है, जो टोकन जिसको सांकेतिक मुद्रा भी कहा जाता है, वो चला है, लेकिन लोगों को उसके ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं था, उस नोट के ऊपर, और लोगों ने क्या करा, जो उनके पास पुराने सिक्के रखे हुए थे, सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे, उन्होंने लोगों ने छुपा छुपा के रखने शुरू कर दिए, और अपने टैक्स को उन सोने चांदी के सिक्के से चुकाने लग गए, और ये जो सस्ते सिक्के होते हैं इन सिक्कों से क्या करने लग गया, मतलब सोने और चांदी सिक्के को उन्होंने बेचकर इन सांकेतिक मुद्रा में उन्होंने पैसे ले लिए। आप सभी को पता है सोने चांदी तो महंगे सिक्के बनेंगे, और ये कागजी सिक्के थे बहुत सस्ते बन रहे थे और जाली भी बन जा रहे थे। ओके, उस समय भी जाली नोट बन रहे थे, तो इन टैक्स जो चुकाते थे वो सांकेतिक मुद्रा में वो चुका रहे थे, और वहां पर सोने चांदी के सिक्के बेचकर वो ज्यादा कमा रहे थे। तो यहां पर एक ये नेगेटिविटी भी आई, और लोगों को इस सांकेतिक मुद्रा पर भरोसा भी नहीं था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोकन या सांकेतिक मुद्रा का शुरुआत किसने करी थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करी थी। ओके, आगे बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। आगे जाकर उसने कश्मीर पर आक्रमण करने की भी योजना बनाई थी, लेकिन उसने उसमें भी क्या रहा, वो विफल रहा। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे मोहम्मद बिन तुगलक और साथ ही साथ में अलाउद्दीन खिलजी के, दोनों के, जो उन्होंने पूरा का पूरा नियंत्रण करा था। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल उसको रोकने के लिए, मंगोलों को रोकने के लिए योजना बनाई थी, और मोहम्मद बिन तुगलक ने रोका भी और उसके घर में घुसकर मारने की कोशिश भी करी, लेकिन वो वहां पर सफल नहीं हो पाया। ओके, तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा।
आगे बात चलें तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत, यानी कि जो हमारी जो सल्तनत थी दिल्ली, उसमें 15वीं और 16वीं शताब्दी में बहुत परिवर्तन देखने को मिला। क्या? पहला, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था पूरे के पूरे चार्ट में। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी उसके अलावा अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्वतंत्र पूर्वक छोटे छोटे राज्य बन गए थे और उनके कुछ शासक भी खड़े हो गए थे, जैसे कि बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इस इलाकों में खड़े हो गए थे। भले ये छोटे छोटे तो थे लेकिन काफ़ी शक्तिशाली भी थे और साथ ही साथ में इनकी जो राजधानियाँ थी वो भी काफ़ी उस समय पर फल फूल रही थी। ओके, तो ध्यान रखिएगा उस समय पर छोटे छोटे शासक खड़े हो गए। उसी में नाम आ जाता है आपका शेरशाह सूरी का, जिसका समय काल है 1540 से लेकर 1545। अब शेरशाह सूरी जो था उसने जो अपना शासन शुरू करा था वो बिहार के अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में, मैनेजर के रूप में काम उसने शुरू करा और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति हासिल कर ली थी कि आगे चलकर जो मुगल वंश हुआ करता, मुगल साम्राज्य हुआ करता था, उसमें हुमायूं, उसका एक सम्राट था हुमायूं, उसको उसने 1530 में 1540 में मारकर खदेड़कर भगा दिया था। तो यहां से हुमायूं भागकर खड़ा हो गया। फिर आगे जाकर जब 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई एक कारखाने में बम विस्फोट के कारण, तब हुमायूं वापस आ गया था 1555 में और वहां पर उसने दिल्ली के बीचों बीच चांदनी चौक में दीन ए पनाह नाम की एक जगह बनाई जहां से सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये पूरी की पूरी अगर आपको ध्यान रखनी है बात ध्यान रख सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको ये तो हुमायूं के बारे में बताऊंगा ही बताऊंगा। ओके, अब ये शेरशाह सूरी, इन्होंने काफी अच्छी उन्नति हासिल करी थी क्योंकि बिहार में जो पाटलिपुत्र था उसका नाम पटना इन्होंने ही रखा। आगे चलकर जब आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो था वो इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। ओके, तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां थी, ये कुछ इनकी बातें थी जो कि आप ध्यान रख सकते हो। आगे चलें तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। कौन सा? तो सूरवंश इसने स्थापित करा, जो कि केवल 15 वर्ष ही रहा, जो कि 1540 से 1555 तक ही रहा था, जो कि कारखाने में विस्फोट की बम विस्फोट के कारण इसकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शासन किया लेकिन इसके प्रशासन, यानी कि जो इसका प्रशासन था पूरा का पूरा चलाने का जो सिस्टम था वो अलाउद्दीन खिलजी से क्या हो रखा था, प्रभावित होकर इन्होंने पूरा का पूरा बनाया था और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके भी तकनीक को इसने और अच्छा चुस्त बनाया था। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी के ही पूरे के पूरे तरीकों को किसने अपनाया था, शेरशाह सूरी ने, और उसको चुस्त भी बनाया था। अब शेरशाह सूरी ने जब इसको चुस्त बनाया और अपडेट करा और अच्छा करा, इतना अच्छा करा कि महान सम्राट अकबर यानी कि हुमायूं के क्या थे, पूर्वज थे। ओके, तो हुमायूं के आने वाले जो थे वो पीढ़ी थी, अकबर के द्वारा जो शेरशाह सूरी ने अपनी पूरी की पूरी प्रशासन इस्तेमाल कर रखी थी वही महाराज जो कि महान सम्राट अकबर था उसने भी इस चीज को अपनाया था, जो कि समय काल क्या है तो 1556 से लेकर 1605 का समय काल अकबर का समय काल होता है, ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने भी अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह सूरी के प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी का अपनाया था लेकिन उसको और चुस्त करा था और अपडेट करा था। आगे चलकर जो अकबर उसका दुश्मन था, यानी कि उसके पूर्वजों का दुश्मन था, उसने भी इससे इतना प्रभावित हुआ, इतना अच्छा इसका पूरा का पूरा प्रशासन था, पूरी की पूरी प्रणाली थी, कि अकबर ने भी इस चीज को अपने शासन में इसको अपनाया। ओके, आगे चलें तो आगे आपकी एक बात आ जाती है तीन श्रेणियों के बारे में, थ्री ऑर्डर्स के बारे में। अब ये क्या है, तो पहला आपका प्रार्थना करने वाले, तो प्रार्थना करने वाले वर्गों के लोगों को क्या कहा जाता था, ईश्वरीय शांति कहा जाता था। दूसरा वर्ग था योद्धा करने वाले वर्ग, जिनको नाइट्स भी कहा जाता था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्स किसे कहा जाता है, तो जो युद्ध करते थे उनको नाइट्स कहा जाता था। तीसरा आपका खेती करने वाले, जो कि आपके धर्मयुद्ध, यानी कि जो उस समय खेती करते थे, कृषि करते थे, उनको धर्मयुद्ध भी कहा जाता था। ओके, तो ये तीन श्रेणियां बताई गई थी उस समय पर उस चक्र में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिश्रेणी यानी कि थ्री ऑर्डर्स में कौन कौन आते हैं, तो ईश्वरीय शांति, नाइट्स और धर्मयुद्ध आते हैं। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा थियोरेटिकल पोर्शन दिल्ली के सुल्तानों के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में।
देखा कितना बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। और बाकी पीपीटीज भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई है, काफ़ी मेहनत करके बनाई है। तो इसी बात पर एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो इस वीडियो को। ओके, बाकी आज के टॉपिक में, आज के चैप्टर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए और आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो हम ऐसे ही देते रहे। ओके, साथ ही साथ में चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसको दबाकर ऑल वाला एक फीचर आएगा उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको चैनल का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। तो आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।